अल्हम्दुलिल्लाह जी, भाई ने नाश्ता कर दिया और जो हमारे पहले नाश्ते वाले बर्तन धुल गए थे जो अब। यहाँ पर जी नई सुबह का आगाज हो चुका है जी और बहुत ही प्यारी सुबह है जी आज की और है जी ठंडी ठंडी। यहाँ पर मैंने किया है जी सालन को गरम और आपने लिए रात की रोटी को ही लगा लिया है क्योंकि मैंने कहा रोटी बची हुई है, आटा बहुत महंगा है, इसको ही खा लेते हैं। ही लगाया इधर मैंने बना के रखी है लस्सी और मैं और मेरा बेटा करेंगे जी नाश्ता और चाय मैंने नहीं जी अभी बनाई, बाकी रोटी सबके लिए मैंने बना कर रख ली है। और मौसम आपको मैं दिखाऊं तो आज का तो ज़बरदस्त है जी, माशाल्लाह से ही ये देखें आज इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि बाहर पानी खराब हो गया इतना ज़्यादा। और अभी भी जी बूंदाबांदी हो रही है, देखें ये कि मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है, बहुत ही ठंडा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का, अल्लाह तला का जितना शुक्र अदा किया जी है तो उतना ही कम है जी। और जो आटे करते हैं जी आप नाश्ता और जिस जिस पैर मैंने करना है तो आप हमारे साथ नाश्ता कर सकता है और आप मेरे साथ बने रहिए। और जी माशाल्लाह से नहीं सुबह के हो गया कि अभी 12 का टाइम है तो यहाँ पर मेरे भाई आए हैं तो भाई साहब नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ हस्बैंड साहब भी बैठे हुए हैं इनके साथ तो अभी नाश्ता कर रहे हैं। तो भाई मेरे ने तो नाम का ही करना होता है, कह रहा था कि नहीं 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 अचानक इसने आना होता है, थोड़े अचानक इसने भी चले जाना होता है, तभी इनका नाश्ता हो रहा है जी। और बच्चे कर रहे हैं जी सफाइयाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी प्यारे बहन भाई, मिल जाती हूँ जी, सब ठीक ठाक होंगे, अलग अलग से बैठ रही हूँ, अब यहाँ भी रहे खुश रहे आवाज रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे। तो इसने एक दुआ का साथ दिया, आज कब लोग करते हैं शुरू, तो आज ही माशाल्लाह से जी माशाल्लाह मैं खुश भी हूँ मौसम की वजह से भी और अपने भाई की वजह से। ये मेरा भाई आया अंदर जी, छोटा भाई था वो इसी तरह जी आता है अचानक आता है और अचानक जी थोड़ी देर बैठता है और फिर चला जाता है जी, इस उसका यही है शुरू से उसकी ना यही बात होती है, हमें बताए बिना ही आ जाता है आता है और फिर ऐसे भी थोड़ी देर बैठे चले जाते। और फिर मैंने भी ज़बरदस्ती वो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने फिर ज़बरदस्ती जी नाश्ता बना लिया जी उसके लिए क्योंकि हमें तो नाश्ता कर लिया हुआ था, मैंने पूछा आपने नाश्ता कहते नहीं, वो कहते मैंने करना जी नहीं, तो मैंने फिर ज़बरदस्ती जी नाश्ता बनाया, नाश्ता करके तो अब वो जी चला गया। तो मैंने कहा जी बर्तन है जो कि मेरी बेटी ने पहले वाले नाश्ते के धो लिए थे, अब वाले नाश्ते कहती है कि मामा जी आप धो लो, मैं ज़रा जी मैं फारग नहीं हूँ, मैंने कहा चलो बेटा जी मैं धो लेते बर्तन को जल्दी जल्दी कर लेते हैं वाश लैंडेरा अंधेरा ही हो रहा है क्योंकि अंधेरा इसलिए हो रहा है कि आज की मौसम बहुत ही प्यारा है, इसलिए फजर के टाइम टाइम था जी नमाज था उस वक्त की बारिश हो रही है और अभी तक बूंदाबांदी हो रही है और बहुत ही अच्छा था मौसम। और पसीने की बात की जाए तो वो क्या है जी पंखा बंद किया ना बात, चलो जी अच्छा नहीं गया तो पसीने में बाहर बारिश है लेकिन अंदर पसीना है, आज का मौसम ऐसे ही होता है, चलो फटाफट जी बर्तन वॉश कर लेते हैं फिर आपसे रहना है जी मेरे साथ। और तो यहाँ पर जी अभी हो चुकी है जी शाम, मैंने अभी अभी आलू के छिलके उतार के इधर रखे हैं, उनको उठाते हैं आलू दो कर मैंने इधर रख दिए और इधर देखे ज़रा कबा के कान है पैक्स खाई है और कचरा उधर ही रख देती है, ये भी खा लेते हैं। लाइट हमारी बिल्कुल भी नहीं है, लाइट तो आपको पता है होती नहीं है, तो अब लाइट आती है तो फटाफट हम बनाएंगे जी चावल और आज हम बना लेते हैं चावल, चावल मैंने इधर रखे हैं जी, इनको अच्छे से साफ करके तो धो लेते हैं क्योंकि बारिश था ठंडा ठंडा मौसम था तो दिल कर रहा था वे चावल ही बनाएं, तो इसलिए भी दिल चावल मैंने मंगवाए हैं और बच्चे भी खुश हो गए चावलों का नाम सुनो, आपको तो पता है बच्चों को ज़्यादा चावल भी पसंद होते हैं तो इसलिए फिर मैंने चावल ही मंगवाए हैं। और बाप साहब अपनी मस्तियों में लगी हैं, क्या बोला आपने मैंने सुना नहीं, ज़रा बताओ ज़रा क्या कह रही हो, इसको तो बस यही होता है इसकी फ्रेंड जो है ना ऊपर चढ़ जाए ना अपनी छत पर तो इसका भी यही काम है कि मामा मैं उनके घर चक्कर लगाऊं, और बहुत बुरी बात है और नहीं जाना आपने, ओके नहीं, नहीं।
स्कूल से इधर बैठ जा, लाइट आने लगी है। तो प्यारे बहन भाइयों जी, लाइट हमारी आप देख सकते हैं अभी नहीं आई, अंधेरा है, देखो बल्ब बंद है जी, क्योंकि लाइट हमारी नहीं आई। तो मैंने कहा लाइट का क्या इंतजार करना, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं लाइट वालों का, क्योंकि इतना ज्यादा तंग कर रहे हैं ना। तो आज शुक्र है लगा कि आज मौसम सही है, तो यहाँ पर मैंने प्याज भी काट दिया और इधर मैंने जी हरी मिर्च जो थी ना मेरी सुरख हो गई थी, मैंने वो कूट लिया और लहसुन और अदरक कूट ली, और आलू भी अपने पास रख लिया, क्या पता हर तड़का लगा लेते हैं। हाँ, बाप के भी फेवरेट है और इससे बहुत भूख लगती है। इनका तो काम है जी आवाम गरीब आवाम को जी तंग करना। जुड़े रहना जी, हम बना के जाओ फिर मिल जाएंगे, क्योंकि अंधेरे में मैं क्या भी क्यों बनाऊंगी। हाँ जी जुड़े रहना। तो प्यारे बहन भाइयों, अभी हमारी लाइट आई है तकरीबन जी 4 घंटे के बाद, तो अभी तो हम बचा रहे हैं, अभी 4 पाई हैं। मैं चावल देख लूँगी, क्योंकि चावल तांबे लगाए हुए थे, तेरे में ही बनाया जी चावल, बिल्कुल अंधेरे में बनाया, पता नहीं अब कैसे बनाया। माशाल्लाह सही लग रही है, शुक्र अल्लाह का जी सही बन गए। आज बारिश थी ना, तो इसलिए दिल कर रहा था कि चावल बने। मैंने तो हैसपन से बोला था कि चिकन ला के दे, तो वो कहते हैं जी चिकन तो बहुत महंगा है जी, तो फिर मैंने कहा आलू वाला ला दे, हम आलू वाला पुलाव बना लेते हैं। तो बारिश में जी चावलों का ही मजा आता है। माशाल्लाह से जी बहुत ही यमी यमी लग रहे हैं। आप इसके साथ हम मंगवाएंगे जी अचार, तो चावल हमारे जो हो गए रेडी, अभी अजान होने के बाद चावल खाएंगे, लाइट को भी बंद कर देते हैं। जिस दिन हमें बिल ज्यादा है तो हम लाइट भी बहुत कम जलाते हैं, इसका कर देते हैं। बाप ना, बाप जो है ना जी जिद करके ना, तो अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी, उसकी मामा जो, उसकी फ्रेंड की मामा जो, वो मेरी फ्रेंड है, तो वो कह रही कि अभी आती है 2 मिनट के लिए, अभी आती है, और मुझे पता है उसने क्यों बोला कि अभी आती है। चार बहन भाई, 4 भाई हमने चाह दिए कमरे में, वो मेरी बेटी निकालेगी क्योंकि मैं नहीं निकालूंगी। तो इसके साथ ही आज का ब्लॉग भी करते हैं खत्म, उम्मीद कर दूंगी मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर बात करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।